तो ये जो है हमने फ्लिपकार्ट से वॉलपेपर मंगाया है नया सेटअप के लिए। तो इसका हम अनबॉक्सिंग और दीवार में आपको लगा के दिखाएंगे। तो इसे हमने इस प्रकार से इसे फाड़ के निकाला है। हमने थोड़ी सी पहले फाड़ के देख लिया था। कभी कभी क्या है ना, ऑनलाइन सामान में अच्छे कभी चेंजेस भी आ जाते हैं। तो इस प्रकार से हमने ये मंगाया। ये 20 फीट लंबाई है और 1.5 फीट चौड़ाई इसकी है। ये लेंथ है इसका और ये लगभग 180 के आसपास पड़ा था ये प्राइस अभी ऑफर में। तो इस प्रकार से ये पैकिंग होता है। पैकिंग ये फ्लिपकार्ट का पैकिंग बहुत ही तगड़ा होता है। बहुत ही अच्छी तरीके से ये लोग पैक करते हैं इसे। तो इस प्रकार से इसका रैप हम निकालेंगे। 2-3 लेयर में इसे पैकिंग किया जाता है प्लास्टिक से। तो उसे हम बारीकी से निकालेंगे और इसके डिटेल्स को आप पॉज करके देख सकते हैं। हमने इसके डिटेल्स को फोकस कर दिया है, तो आप चाहे तो इसे पॉज करके देख सकते हैं। तो इसके अंदर भी एक और रैपर है। तो इस प्रकार से हम फाड़ के इसे निकाल लेंगे और फिर देखिए इसमें जो है एक दीवार में चिपकाने के लिए इसके पीछे भी एक पेपर होता है, उसे निकाल के उसके बाद उसे चिपकाएंगे दीवार में। तो कुछ इस प्रकार से हम इसे टेप से पैक किया हुआ है ये, तो टेप को हम निकाल लेंगे। तो ये देखिए इसके नीचे ये पीछे वाला भाग है, इसका ये पेपर निकलेगा उसके बाद ये दीवार में चिपकेगा, क्योंकि इसके अंदर जो चिपकने वाला पदार्थ है वो लगा रहता है। तो कुछ इस प्रकार से हमारा ये वॉलपेपर दिख रहा है। तो हम इस प्रकार के खाली दीवार में इसे लगाएंगे। हमारा जो दीवार है कुछ इस प्रकार का है, प्लास्टर किया हुआ है, पेंट नहीं किया हुआ है। तो ये देखिए हम इस प्रकार से लगाएंगे इसे। इसका जो ये पीछे वाला है पेपर, उसे हम इस प्रकार से निकालेंगे। ये देखिए कॉर्नर से इसे निकल रहा है। तो आराम से आप निकालेंगे और निकालने के बाद अब इसे निकालते हुए आराम से दीवार में चिपका लेंगे। तो हमने देखिए इस प्रकार से इसे चिपका लिया है। तो है ना कितना बढ़िया लग रहा है। ये वही वॉलपेपर है जो कि हमारी दीवार को बहुत ही सुंदर बना दिया है। तो कैसा लगा ये वॉलपेपर हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स।